हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपको बहुत तो परेशान भी कर सकती है, और मुझे तो सच में बहुत परेशान किया इस चीज़ ने। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि क्या ऐसी मानसिकता वाले जो लोग हैं, क्या वो शिक्षक बनने के काबिल हैं? क्या वो शिक्षक बनने चाहिए? तो यही हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक तरफ, जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी नवरात्रि जो होती हैं, नवरात्रे हैं जो, वो चले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम देवियों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं वो डर के जी रही हैं। उनके अंदर एक डर है, और वो डर क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोग, तुच्छ मानसिकता वाले लोग आज भी समाज में हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसा आप लोगों को पता है कि प्राइमरी वैकेंसीज के लिए मैंने बोला था कि एक ग्रुप तैयार करेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ कि एक ग्रुप हम तैयार करेंगे, और उस ग्रुप का जो मकसद होगा कि एक मैसेज हम फॉरवर्ड करेंगे। हालांकि जो अभी सर हैं वो बाहर हैं, तो मैं सर से बात, आपको पता है मैं करता हूँ, और बात तो ज़रूर, अब तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा माइंड जो बहुत डिस्टर्ब हो गया चीज़ों को देख के, कि यार किसी के लिए भला करना और फिर उसमें ये चीज़ें मिले। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सभी गलत हैं, सभी लोग गलत नहीं हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हुई हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं वो हमें तो गलत बना सकती है ना। तो अभी क्या हुआ कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक ग्रुप तैयार किया है, और उस ग्रुप का मकसद क्या था कि एजुकेशन रिलेटेड, वैकेंसीज से रिलेटेड कोई डिस्कशन हो। और मैंने पहले भी बोला था कि कोई किसी के पास पर्सनल मैसेज ना करे। ये मैंने ग्रुप में बोला था कि कोई किसी के पास पर्सनल मैसेज ना करे, और अगर कोई किसी को ऐड भी कर रहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मुझे बहुत निराश किया, और ये बड़ी शर्म की बात है। अगर वो लोग देख रहे हैं, देखो मुझे पता भी है कि कौन है वो, अगर वो देख भी रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि क्या आपके घर में आपकी माँ बहन वो नहीं है? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है? और भाई साहब, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप शिक्षक बनने के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। आपको तो शिक्षक बनना ही नहीं चाहिए। तो क्या हरकतें हुई हैं? तो कल मेरे पास एक फीमेल टीचर, उनका मैसेज आया कि सर मेरे पास ये नंबर है, और इस नंबर से मेरे पास, मतलब गंदी वीडियो उनको भेजी जा रही है, वीडियो कॉल की जा रही है एक महिला को, मतलब जो फीमेल टीचर थी जो उस ग्रुप में जुड़ी हुई थी। ये सुनते ही मुझे, मैं इतना परेशान रहा कि यार, मतलब कितनी शर्म की बात है। मतलब ऐसी मानसिकता वाले लोग, मैं, मतलब मेरे मन में से तो बहुत सारी गालियां निकल रही है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुप हूँ। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी गालियां भी निकल रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हैं। आप मुझे कुछ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप किसी चीज़ से असहमत हैं, मतलब सहमत नहीं हैं, तो आप कुछ बोल सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, लेकिन आप किसी महिला को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही उस जगह जहाँ एजुकेटेड लोग हैं, उनके बीच में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि मतलब ये समाज के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं। आप शिक्षक बनोगे? दूसरों की माँ बहनों के साथ कभी भी वो काम ना करें, वो चीज़ें ना दिखाएं, वो चीज़ें सहन ना करें। सबसे पहले वो चीज़ें आप अपनी माँ बहन को दिखाओ, अगर आपको लगता है कि वो सुरक्षित है तो फिर आप दूसरे के पास सहन करें। मैं क्या बोलूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगा कि मैं
मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करना नहीं चाहिए। मैं सोच भी रहा था कि यार मैं लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं एक बार ये चीज़ें क्लियर करके फिर ये चीज़ें ख़त्म करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ पर सवाल भी करेंगे कि ग्रुप बनाया ये हुए। हालांकि ग्रुप वगैरह तो मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे लिए सबसे पहले हमारी जो माता बहनें हैं, जो बहनें एक उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ी, और उनके साथ अगर ये सब होगा तो भाई मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। और ऐसी तुच्छ मानसिकता वाले लोग, इतने गधे लोग, वो शिक्षक बनने के काबिल हैं। भाई साहब आप देख भी रहे होंगे, मैं वीडियो ये ग्रुप में भी डालूंगा, आप देखना और शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आपको। और यही जो चीज़ें आपने उस लड़की को भेजी हैं, आप ये चीज़ें अपने माँ को और बहन को भी दिखाना, और तब पता चलेगा क्या बीतती है। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। और मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन उस चीज़ ने, क्योंकि छोटी मोटी बात होती, कोई बहस हो जाती, आप मुझे गलत बोल दो भाई, मुझे गाली दे लो, आपको अगर फ्रस्ट्रेशन निकालनी है मुझ पे, मुझे गाली दे लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन जब बहनों की बात आती है, जब उन महिलाओं की बात आती है, और अगर हमारे किसी काम से उन महिलाओं को कोई दिक्कत होगी, तो भाई मैं क्यों वो काम करूं? मैं क्या बोलूं आप लोगों को? चलो ठीक है, जैसी आप लोगों की मानसिकता है। और ऐसा नहीं है, मैंने उस महिला से, उस जो फीमेल टीचर है उनसे, वो तो कंप्लेन भी करने के लिए तैयार थी। कंप्लेन मैं भी कर सकता हूँ, दो मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन चलो ठीक है, अभी तो देखेंगे क्या होता है। कंप्लेन भी करने की ज़रूरत होगी तो कंप्लेन भी करेंगे, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हैं, महिला एजुकेटेड लोगों के बीच में भी अगर सेफ नहीं है तो क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? मतलब मुझे शर्म ये आए कि यार शिक्षकों के बीच में एक महिला सुरक्षित नहीं है, वो शिक्षक क्या बनेंगे भाई? मतलब शिक्षक बनने के लायक हैं? मैं क्या कहूँ, गालियाँ बहुत आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब से कि प्लीज़, नंबर तो है मेरा, मेरे पास आपका और आपके पास भी, आप मुझसे बात कीजिए, और मेरे पास भी एक बार सेंड करो जो सेंड किया है, फिर मैं आपसे बात करूँगा। और अपने मम्मी को भी सहन करें, अपनी बहन को भी सहन करें, उनको दिखाएं। अगर आप ये सहन कर सकते हैं, अगर आप ये सहन कर सकते हैं तो दूसरों के पास सहन करें। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि आपकी माँ बहन कोई भी ये चीज़ें आपको नहीं सिखा रही होंगी, क्योंकि कोई भी माँ बहन बाप अपने बच्चों को ऐसे गंदे संस्कार नहीं देते जो आप ये कर रहे हैं। चलो लास्ट में यही बोलूँगा कि मुझे मैं क्षमा चाहता हूँ सभी साथियों से, और ये ग्रुप वगैरह मैं आज इसे ख़त्म कर रहा हूँ, और इसका रीज़न आपको पता है, इससे बड़ा कोई रीज़न हो नहीं सकता। तो थैंक यू।